नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी से। मैग्नीज खदान धंसने से मजदूर की मौत। हादसे के वक्त 15 से 20 मजदूर कर रहे थे काम। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरमा कटंगझरी ग्राम में स्थित जेके मिनरल्स बालाघाट की वन क्षेत्र में स्थित भूमिगत मैग्नीज खदान के धसक जाने से एक मजदूर दशाराम उके की घटना स्थल पर मौत हो गई। वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसे तत्काल नागपुर रेफर कर दिया गया। उसके बाद भी आप ये मांग रख सकते हो? रख सकते हैं। तो देखो सर, क्या होता है अभी, जो बातें हो सकती है अभी, देखो ऐसा अंदर हुआ है, 2 बजे हुआ है, 4 बजे निकला है। और कितने लोग थे उसमें? इसमें माते, उसमें 3 या 4 आदमी थे, उसमें से वो रिपेयर किया गया उनको वहाँ पे। काम करने वाले, काम करने वाले 30 से 35 लोग थे। एक मृतक और एक घायल, बस दो, बाकी सब हट गए थे। दूर हट गए, सब दूर दूर रहते हैं, एक ही जगह नहीं रहते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप सीधे पॉइंट पे आए नहीं हो, मात्र हमसे जिससे सामने घटना हुई उनसे। हादसा होते ही मजदूर एवं ग्रामीणों में मैग्नीज प्रबंधन के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। जेके मिनरल्स को जिम्मेदार ठहराते हुए मजदूरों ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण आज एक मजदूर की मौत हुई। कुछ ही आप ये बात कोई तो मैनेजर साहब आते हैं तो फोरमैन उनके साथ में चलते हैं, फोरमैन जवाब देंगे, फोरमैन जवाब देंगे इसका। सामने की घटना है, हम ये चाहते हैं कि हमने जो संगठन की तरफ से मांग रखी है उस पर मैनेजमेंट जो हमसे बात करना चाहता है कि भी किस टाइप से बनेगा, जब तक हम इतना बन रहा है और हमने 20 लाख की मांग रखी है, उस आधार पे हम बात करना चाहते हैं। हाँ, यही बोल रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं बोल रहे। तो कोर्ट में 20 लाख ही बन सकता है। नहीं नहीं सर, वकील पे डिपेंड करता है, अरे इसके पास अभी तत्काल में 2 लाख रुपए दिया जा रहा है और जो भी कंपनसेशन बनेगा वो मिला के 14 लाख रुपए आपको, जो भी कोर्ट के हिसाब से 15 दिन लगे या 1 महीना लगे, वो उनके मृतक के परिवार को दिया जाए। तत्काल अपने एम्प्लॉय की मदद करें, इसके बाद एक जिम्मेदारी है कि कोर्ट में जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होती है उसमें भी ये सपोर्ट करें आपको। क्या हुआ क्या हुआ? जैसे मृतक है ना, उन्होंने चाक को टाइट किया, चाक को जब टाइट किया तो मैनेजर साहब ने 12 बजे जाके खुलवा दिया बोलते हैं, और वहाँ पे उससे काम करवा रहा था, उसी बीच में घटना हुई। मजदूरों ने मैनेजर और फोरमैन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खदान धंसने से रोकने के लिए जो सेफ्टी चाक का इस्तेमाल किया जाता है उसे घटना के वक्त उन्हीं के कहने पर हटा दिया गया था और यही दुर्घटना का कारण बना। घटना की जानकारी मिलते ही वारासिवनी एसडीओपी और एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और तत्काल खदान प्रबंधन से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि दिलवाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। शव का पंचनामा कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। देखने वाली बात यह है कि इस तरह से वैध व अवैध जिले में कई खदानें संचालित है जो बिन मापदंडों की चल रही है, जिनकी ओर शासन प्रशासन का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है कि समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत नहीं कराया गया होगा, बावजूद इसके इस तरह के मामलों में कोई ठोस कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है और इससे भी बड़ी दुर्घटना घटित तो हो सकती है। बालाघाट वारासिवनी से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट।